मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फर्जी डॉक्टरों का लोगों की जिंदगी से खेलना अब आम बात हो गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह खतरा और भी ज्यादा है, जहां भोले भाले लोग सही और गलत डॉक्टर में फर्क नहीं कर पाते। ऐसे ही एक फर्जी डॉक्टर दिलीप यादव का खुलासा आज हम कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से खरगोन में बिना किसी वैध अनुमति के लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। खरगोन के टेमरना गाँव में दिलीप यादव नाम का यह व्यक्ति, जिसने केवल BSc की पढ़ाई की है, खुद को डॉक्टर बताकर 15 साल से लोगों का इलाज कर रहा है, उनकी जिंदगी से खेल रहा है। उसने एलोपैथिक दवाइयां, इंजेक्शन देने और बॉटल चलाने के लिए एक क्लिनिक भी खोल रखा है। गांव के लोग, जिन्हें सही डॉक्टर की पहचान नहीं है, बड़ी संख्या में यहां इलाज के लिए आते हैं। लोकल 18 की टीम जैसे ही टेमरना गाँव पहुँची, फर्जी डॉक्टर दिलीप यादव का एक मकान में संचालित क्लिनिक बाहर से बिल्कुल साधारण दिखा। बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और ही था। जहाँ दिलीप यादव बैठ करके लोगों का इलाज कर रहे थे, वहीं पर 3 मरीजों को बॉटल चढ़ाई जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो बाथरूम के पास एक और महिला को बॉटल लगी हुई थी। इसी के पास वाले कमरे में 3 अन्य मरीजों को भी बॉटल लगाई गई थी। कई लोग जमीन पर सोए थे, कुछ लोग पलंग पर लेटकर इलाज करवा रहे थे। हमारी टीम ने जब इलाज कराने आए मरीजों से बात की, तो पता चला कि गाँव के लोग दिलीप यादव को असली डॉक्टर समझते हैं। एक महिला ने कहा कि हम यहाँ बुखार और पेट दर्द की शिकायत लेकर आए हैं, डॉक्टर साहब ने बॉटल लगाई है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि सर्दी खांसी की दिक्कत थी, इलाज के लिए डॉक्टर के पास आए हैं। इलाज कराने आए हैं। काय का इलाज करवाने आए? बुखार है। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी की तबीयत खराब। क्या हो गया? हाथ पैर दुखते हैं। इलाज कराया। ये बॉटल लगाई डॉक्टर ने? पैर दुख रहे हैं दोनों। आए हुए किसी भी मरीज को यह तक नहीं पता है कि दिलीप यादव के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। हमारी टीम ने क्लिनिक के अंदर का और जायजा लिया, तो एक कमरे में बड़ी संख्या में DNS की बॉटल और दवाइयों के पैकेट रखे हुए थे। दिलीप यादव ने इस मामले में कहा कि उसने स्वास्थ्य जन रक्षक का प्रशिक्षण लिया है और उसे CMHO कार्यालय से एक सर्टिफिकेट दिया है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वह क्लिनिक चला रहा है और लोगों का इलाज कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों से चल रहे फर्जी क्लिनिक की खबर प्रशासन को अब तक क्यों नहीं लगी? आप दवाखाना चला रहे हैं? हाँ। आपके पास इसकी लाइसेंस है? हाँ सर, मैं यहाँ का जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ, इसी ग्राम पंचायत से। CHV आपके पास इसकी डिग्री है? हाँ डिग्री है ना, जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ मैं, यहाँ का गवर्नमेंट का है वो। जन स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य रक्षक में दस्त उल्टी वगैरह, सर्दी खांसी बुखार का इलाज कर सकते हो। बॉटल लगाने की परमिशन है? कर सकते सर, गांव में कर सकते सर। एजुकेशन डॉक्टर आपका? क्या एजुकेशन है आपका? मेरा फाइनल करा हुआ है। क्या फाइनल? BSc फाइनल। BSc करे हुए हैं और मरीजों का यहाँ चिकित्सा इलाज कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम? हाँ? दिलीप यादव। कितना समय चला रहे हैं? हालांकि इस पूरे मामले में खरगोन CMHO साफ तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य जन रक्षक का सर्टिफिकेट इलाज की अनुमति नहीं देता है। आपके माध्यम से पता चला है, टीम को भेजकर दिलीप यादव के यहाँ जांच कराएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और से यहाँ CMHO कार्यालय से जो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, स्वास्थ्य जनरक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर क्या कोई डॉक्टर बनकर के इलाज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो अब हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीमें बनाई है और सतत ये जो जितने भी झोला छाप और जो अवैध रूप से डॉक्टरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और सतत उसके लास्ट के जो हमारे अधिकारी हैं उनकी निगरानी में ये सब काम होता है। और हम बहुत जल्द इसमें, अगर ऐसे लोग हैं आपके माध्यम से संज्ञान में आए तो मैं इसमें स्पेशली अभी दिखवाऊंगा। सर, अब तक कितने लोगों पर ऐसे कार्रवाई हो चुकी है? नहीं, कार्रवाई अभी तक ऐसे नहीं हुई, पर कार्रवाई के जिनको आदेश दिए गए हैं कि वो झोला छाप जितने भी डॉक्टर हैं अपने अपने क्षेत्र में वो जाके कार्रवाई करें। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए कार्रवाई करो अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के माध्यम से अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, खरगोन से तो फिलहाल कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में ऐसे फर्जी और झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, खुलेआम उनका इलाज कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम को खबर तक नहीं है। लोकल एडिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।